बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट हमारा टॉपिक था कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर या करेक्टरिस्टिक्स, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेन एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। मीन्स के कंप्यूटर जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, किन किन फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, या कंप्यूटर अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या किरदार अदा कर रहा है। तो इसमें वो सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी डे लाइफ, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंप्यूटर जो है वो बड़ा अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। द मेन फील्ड वेयर अ कंप्यूटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल आर, अब इसमें जो हमारे पास मेन फील्ड्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं या अपना एक अहम जो रोल है वो अदा कर रहे हैं, वो ये हैं, जिसमें है बिजनेस एंड इंडस्ट्री, नंबर दो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नंबर थ्री है डिफेंस, और नंबर फोर है एंटरटेनमेंट, और नंबर फाइव है एजुकेशन। यानी ये मेन जो है वो फील्ड्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर जो है वो अपना बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्री की, कि यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं या कंप्यूटर इस फील्ड में किस तरह काम करते हैं। तो इसमें कहते हैं इन बिजनेस इंडस्ट्री कंप्यूटर्स आर मेनली यूज फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, मेन इनका जो फंक्शन होता है वो है कि यूज़ फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग ये इसमें काम करता है, इसमें अकाउंटिंग प्रोसेसिंग का काम होता है, पेरोल प्रोसेसिंग का काम होता है, पर्सनल रिकॉर्ड्स प्रोसेसिंग का काम होता है, इसी तरह से ट्रांसफरिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सिटीज़ एंड कंट्रीज़, कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं किसी दूसरी सिटी से या दूसरे किसी मुल्क से या कंट्री से, हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम भी कंप्यूटर के ज़रिए लेते हैं। और इसी तरह से हम जो है अकाउंटिंग प्रोसेसिंग का काम भी इसमें कर सकते हैं, कि कोई अकाउंट्स का काम करना है तो उस तरह से हम इसे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेरोल प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, पर्सनल रिकॉर्ड प्रोसेसिंग किसी भी पर्सन के जो किसी फील्ड में या किसी कह लें कि फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में लोग काम करते हैं उनका जो बायोडाटा रखने के लिए, पर्सनल रिकॉर्ड उनका रखने के लिए जो कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए या रिसीव करने के लिए या हासिल करने के लिए भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हमारे पास नंबर दो फील्ड है अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है कि इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर आर मेनली यूज फॉर एडवांस रिसर्च एंड फॉर गेटिंग एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, यानी रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं और हासिल और एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ा काम जो इसमें कंप्यूटर काम करता है वो है हमारी हेल्थ की फील्ड, उसमें ज़्यादा ये काम करता है। तो नंबर वन पे हम देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि किस तरह से आम किया, तो सबसे पहले ये कि फॉर एक्यूरेट फॉरकास्टिंग ऑफ वेदर, यानी वेदर को फॉरकास्ट करने के लिए एक्यूरेट लेवल में ये हमें कंप्यूटर इस्तेमाल किया करना पड़ता है, कि जहाँ पे वेदर का पता लगाना, वेदर की सही इंफॉर्मेशन रखना, तो वेदर फॉरकास्ट करने के लिए जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। नंबर दो फॉर मॉनिटरिंग ऑन स्क्रीन द पल्स रेट, यानी मॉनिटर करने के लिए स्क्रीन पे पल्स रेट को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीटिंग को एंड अदर वाइटल साइंस को ऑफ द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट की मॉनिटरिंग करने के लिए, जिसमें इम्पल्स रेट शामिल है, ब्लड प्रेशर रेट शामिल है, हार्ट बीटिंग शामिल है, ये जो सारी चीज़ें जो हैं हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं वो भी हम कंप्यूटर के थ्रू ये काम करते हैं। एंड मैनी अदर एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड, और बहुत सारी दूसरी मेडिकल एप्लीकेशन जो हैं वो मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल हो रही हैं, सच एज़ मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स, यानी पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से नंबर थ्री पे जो है फॉर गेटिंग एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ एनी रिसर्च, किसी भी रिसर्च के एक्यूरेट रिजल्ट हासिल करने के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर जो है वो कंप्यूटर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो थर्ड नंबर पे है डिफेंस, यानी हमें अपने दिफाई हमारा निज़ाम है वहाँ पे कंप्यूटर जो है वो किस तरह काम करते हैं या क्या क्या फील्ड्स हैं जिसमें कंप्यूटर जो है अपना
रोल अदा करते हैं. तो इन द फील्ड ऑफ डिफेंस वो कहते हैं कंप्यूटर प्लेइंग द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट रोल्स, जिसमें टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मिसाइल टूवर्ड कमिंग टूवर्ड्स, के हम डायरेक्शन ऑफ मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए भी टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मिसाइल कमिंग टूवर्ड, यानी मिसाइल की डायरेक्शन को जो है डिटेक्ट करने के लिए भी कंप्यूटर जो है वो अपना अहम किरदार अदा करते हैं. नंबर दो, इन वेपन्स सच एज मिसाइल टू सेंड देम टू देयर टारगेट. और वेपन्स में जिस तरह के मिसाइल है इसको अपने एक मतलूबा टारगेट तक पहुंचाने के लिए भी जो है वो कंप्यूटर बड़ा अहम किरदार अदा करता है. इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट. अब इंटरटेनमेंट में जो है वो क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो कंप्यूटर जो है हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इंटरटेनमेंट ऑफ ह्यूमन, यानी जो इंसान है वो इंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर अपना बड़ा अहम किरदार अदा करता है. जिसमें हम ये देख सकते हैं कि टू प्ले वीडियो गेम्स एट होम, के बच्चे हों या बड़े हों वो घर पे बैठ के ईजीली इस पे वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, वो इनको इंटरटेनमेंट का काम देती हैं. इसी तरह से नंबर दो पे है टू सी द मूवीज़ फिल्म्स एंड लिसन म्यूज़िक, लिसन कुरानिक, सी द डॉक्यूमेंट्री वीडियोस या डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वगैरह, कुछ भी आपने देखना है, कोई रिसर्च आपने देखनी है, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए आपने कोई मूवी देखनी है या कोई म्यूज़िक सुनना है, तो उसके लिए भी जो है वो कंप्यूटर जो है वो अहम किरदार अदा करता है और वो आपके लिए एक इंटरटेनमेंट का बायस बनता है कि आप घर बैठे हैं या कहीं भी फ्री बैठते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर हॉबी, आप अपनी अपनी चीज़ों को इसके ऊपर देख सकते हैं. और नंबर फाइव पे हमारे पास आ जाता है एजुकेशन. इन द फील्ड, इन एजुकेशन फील्ड इट इज़ मेनली यूज्ड, यानी एजुकेशन फील्ड में ये भी ये जो इस्तेमाल होता है ये मेनली किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें है टू टीच स्टूडेंट्स एज अ ट्यूटर, यानी स्टूडेंट्स को एज अ ट्यूटर पढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर अहम किरदार अदा करता है. नंबर दो, टू प्रोवाइड लेटेस्ट रिसर्च थ्रू द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को लेटेस्ट रिसर्च प्रोवाइड करते हैं थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया से वो रिसर्चेस जो है वो फाइंड आउट करके स्टूडेंट्स को देता है ताकि उनकी हेल्प हो सके. इसी तरह से टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द लाइब्रेरी बुक्स, जो लाइब्रेरी बुक्स का जो रिकॉर्ड होता है उसे मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए. एंड टू सर्च द रिक्वायर्ड बुक, और किसी जो आपको मतलूबा या कोई रिक्वायर्ड बुक कोई रिक्वायर्ड है तो उसको सर्च करने में भी अहम किरदार अदा करता है. जैसा कि इट्स लोकेशन लाइब्रेरी एक्सेट्रा, यानी इसकी लोकेशन भी आपको फाइंड करके दे सकता है कि लाइब्रेरी में जो है वो बुक जो है वो किस जगह पर है या कहाँ से आपको ये मिलेगी. तो वो कहते हैं कि टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द बुक इन लाइब्रेरी एंड टू सर्च द रिक्वायर्ड बुक, और रिक्वायर्ड बुक कोई भी जो आपको चाहिए वो ढूंढ के तलाश करके आपको दे देगा.